जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। एक सौ चौपनवी गाथा चल रही है जिसकी अपन ने टीका कल पढ़ी थी। अंतिम पंक्तियों की तरफ मैं आपका ध्यान फिर दिलाना चाहता हूँ कि आचार्य देव का इस गाथा में मूल कथन क्या है। ये जो आपने संस्कृत टीका का अर्थ किया था ना, यदि आपके पास समय सार वो है ना अनुशीलन, तो आप देखिए पेज नंबर 343 पर सबसे नीचे की एक दो पंक्तियाँ। देखा ना, अत्यंत स्थूल संकलेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवृत्त रहे हैं। यानी प्रतिज्ञा तो की थी कि हम कर्मों से पूरी मुक्ति लेंगे, और हमें मोक्ष में जाना है तो सब कर्मों से मुक्ति लेनी है ना। कर्म माने गहना वर्ण आदि नहीं, जो भी हमारे शुभ और अशुभ भाव रूप जो भाव हैं वे कर्म, और शुभ अशुभ प्रवृत्ति रूप जो क्रिया है उसको तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो तो हमें गर्दन झुकाने के लिए कहा है, और गर्दन अकड़ जाए और नहीं झुकेगी तो नहीं झुकेगी, और गर्दन सीधी रखने कहने को कहा हो और गर्दन यदि लटक जाए तो लटक जाएगी। वो हमारे हाथ की बात नहीं है, बस तुम्हारे हमारी मर्यादा तो विकल्प तक सीमित है। वो कल ये बात स्पष्ट कर दी थी कि भूमिका के अनुसार दोनों चीज़ें होंगी, इसलिए बार बार ये विकल्प नहीं करें कि भाई वो करना तो पड़ेंगी होंगी तो ऐसा तो है ऐसा है, जो इसमें लिखा है उस पर ध्यान दें कि अत्यंत स्थूल संकलेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी, अत्यंत स्थूल दोनों जगह स्थूल है, विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवृत्त रहे हैं। ये सब हमारी आपकी सबकी बात है। वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए, पर एक गुरु हो कम हो गया ज़्यादा हो गया कम हो गया बस फिर मेरे भाव इसमें ही संतुष्ट हैं, स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संकलेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जल मूल से नहीं उखाड़ते। समस्त कर्म कांड को मैंने शुभ भाव को, क्योंकि उसको तो छोड़ ही दिया उनने अशुभ को, जड़ मूल से उखाड़ते नहीं हैं। माने ये बात अपने श्रद्धा के लेवल पे भी स्वीकार करने में उन्हें तकलीफ होती है। वो एक नए है ना, वो एक नए है ना, वो एक नए है ना, उन्हें खड़ा रहता है ना। माने वे उसको पूरी तरह गौण ही नहीं कर पाते। गौण करने की प्रक्रिया भी हमें नहीं आती, सच्ची बात तो ये है। हम क्या कह समझते हैं कि हम इसे गौण कर दो, ऐसी कह देंगे तो गौण हो गया। अरे ये तो मुख्य का नाम है, व्यवहार नय को गौण रखो। अब ये हमने कहा तो इसमें व्यवहार नय को मुख्य रखा कि गौण, बोलो। बोल धन कुमार, हम कह रहे मुख व्यवहार नय को गौण रखो, तो हमने व्यवहार नय को गौण रखा कि नहीं रखा ये पूछना चाहता हूँ। कितना क्लियर कह रहे हैं, ये कह रहे ये तो जो तुम बोल रहे हैं ना व्यवहार नय, ये तो व्यवहार नय को मुख हो गया। असम समझ में आया कि जिसके बारे में बोला जाता है वो होता है मुख, और जिसके बारे में चुप रहा जाता है वो होता है गौण। तो तुम वो उस वक्त उसको गौण नहीं रख सकते हैं,
अभाव अभाव की तो बात उसके हाथ में है ही नहीं, वो तो पहले कह दिया, वो तो भूमिका के अनुसार होगा। जिस चीज़ को आप चाहते हो कि वो छूट ना जाए, फिर हम छोड़ देंगे स्वभाव करना, तो वो तो कह रहे वो तो भूमिका के अनुसार होता ही है और होगा ही, उसको तुम छोड़ ही नहीं सकते क्या। अब लेकिन उस डर के मारे कि वो छोड़ ना दें, फिर ऐसा ना हो जाए, सब लोग भ्रष्ट नहीं हो जाए, किनका डर है कि जो भ्रष्ट ना हो जाए। ये महाभ्रष्ट पहले से ही हैं, तो उनको हमें डर लग रहा है कि ये भ्रष्ट ना हो जाए। मैं इसको लिए बहुत पहले कहा करता था, तो मैं करीब 25-30 साल से तो नहीं कहा होगा, लेकिन आज फिर याद आ रहा है कि एक आदमी ये बोल रहा था, मुझे धक्का मत दो, धक्का दो, मैं गिर जाऊंगा। आया किसी को याद, मुझे धक्का मत दो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो मैं कहता हूं कोई पहाड़ के शिखर पर हो उसे डर लग सकता है कि मैं गिर जाऊंगा। लोग जमीन पर खड़ा है उसे काय का डर कि मैं गिर जाऊंगा, वो गिर के कहाँ जाएगा, कि नहीं जा सकता है। जमीन पे से भी गिर के कुएं में जा सकता है, कुएं में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है ना। अब कुएं में ही जो गिर गया है वो भी चिल्ला है कि मैं गिर ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, धक्का मत दो गिर ना जाऊं, तू कहाँ गिरेगा। यदि वो कुएं में खड़ा है तो खड़े से आड़ा गिर सकता है, लेकिन वो कुएं में भी आड़ा पड़ा है, खाली कुआ है, पानी नहीं है, आड़ा पड़ा है, और फिर चिल्ला है कि मैं गिर ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। अब तू यहां से गिर के कहां जाएगा, मैंने नीचे से नीचे की भूमिका में है, इससे कोई नीचे की भूमिका हो ही नहीं सकती, और वहां से चिल्ला रहा है कि भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। यहां से कहां भ्रष्ट होके कहां जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्यों, पहले गुणस्थान में, फिर बहुत स्थूल बुद्धि वाले, फिर बहुत ऐसी कि जो बच्चा बच्चा जानता, आज जो जैन और अजैन सब कहे कि ये काम मुनि को के श्रावक को करने योग्य नहीं है, उन कामों में तो लगे रहे। अब समझ गया ना, कुएं में पड़े हैं आड़े, कुएं में आड़े पड़े हैं का मतलब समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, और कहाँ गए भाई, एक गृहस्थ में भी हम भी ये कहते हैं भाई कि हमने यदि शास्त्रों का समर्थन मनन किया है तो हमसे कोई काम लेना है तो शास्त्रों के अध्ययन मनन वाला लो, ये बिल्डिंग वाला काम, ये अदालतों वाला काम, ये मुकदमेबाजी का काम, ये काम हमसे क्यों लेते हो, क्यों ये काम उनके जिम्मे रहने दो ना जो इसमें माहिर हैं और 24 घंटा यही धंधा करते हैं, थोड़े पैसा दे देना उनको है? अब वो सबसे बड़ा पद जो पंचम गुण स्थान पंचम काल में हो सकता है वो तो पद लिया है, और जो सबसे छोटा काम जो किसी कोई भी सामान्य आदमी नहीं करना वहाँ वो कर रहे हैं, अब यहाँ से गिर के और कहाँ जाएंगे, क्यों तो इस डर से बुझो। ये मैंने ये रहा कल पढ़ दी थी, फिर पढ़ रहा हूँ इस पंक्ति को, वे समस्त कर्म कांड को जलमूल से नहीं उखाड़ते। अब ये समस्त में फिर कोष्टक में स्वभाव लिखना चाहिए था, क्योंकि समस्त में कहते हैं बहुत तो निकाल दिया। अरे बहुत की बात नहीं है, जो वो अंत में नहीं निकाला श्रद्धा के लेवल पर, क्रिया के लेवल की बात ही नहीं है, क्रिया के तो भूमिका अनुसार होगा, तो भूमिका अनुसार होता है तो उनके क्यों हो रहा है, किनके, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपने आप समझ लेना कि उनके क्यों हो रहा है। तुम ऐसा मानते कि उनकी भूमिका तो ऊपर की है और वो काम नीचे का कर रहे हैं, इसलिए कहते उनके क्यों हो रहा। मैं ये कहता हूँ कि जिनके हो रहा है वे उसी भूमिका के हैं, समझ में आई ना। अब कुछ बातें सारे में ही समझनी पड़ेगी है? है? क्यों भूमिका तो तुमने ऊपर की मान ली, और कह रहे भे ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा उनकी भूमिका में नहीं होता है, तो जो कर रहे वो उसी भूमिका के हैं ऐसा समझो बस है? अब देखो ये
वो एक श्वेतांबर मुनिराज अनशन पे बैठ गए किसी भी काम पे लेके, और पुलिस पकड़ लेगी, अस्पताल में भर्ती कर दिया और ग्लूकोज चढ़ा दिया और दवाइयाँ लगा दी। अब क्या महाराज को पकड़ लेंगे, महाराज को पकड़ लेंगे। अब महाराज ऐसे काम में बैठ गए तो वे तो क्या करेंगे। उन्होंने कह दिया यदि कल तक ये नहीं हुआ मेरा, मैं जो कह रहा हूँ, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बस उनको ये मिल गया कि आत्महत्या करने की बोल रहे हैं, इसलिए ये आत्महत्या तो अपराध है, और उस अपराध में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बस भाई आत्महत्या करेंगे तो इसलिए हमको तो जिंदा रखना है इनको, बैठ दें। तब भी तो नेता ही हो गए ना, अजय साधु तो बहुत हो ही गए, अब धीरे धीरे सीतांबर भी हो गए, धीरे धीरे निगम्बर भी आ गए। मुझको भी बुलाया था भाई जी उस मीटिंग में, जबरदस्ती 3 घंटा बैठा रखा खूब धूप में। मैं मना बहुत किया था, परंतु में मैंने बोला 3-5-7 मिनट, तो मैंने यही बात कही कि भैया ये बूचड़खाने तो बंद हो जाए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये खाने वाले जब तक रहेंगे तो हम अभी निर्यात करते हैं, फिर आयात करना पड़ेगा। तो पहले कोई ये बात हम इस व्यापी तो करें कि हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। वो कहते हिंदू गाय का मांस नहीं खा सकता, मुसलमान सुअर का नहीं खा सकता है, तो मांस नहीं खा सकने की तो कोई बात ही नहीं करता क्यों? एक 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 संत ने कहा था पशु हत्या का निषेध, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी देर से सुन करके, अब चलो पशुओं पे तो आए क्यों। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम कितने लेवल पे उतरते जाएंगे, और फिर भी हम कहते हमें भ्रष्ट ना हो जाए। अब भ्रष्ट होने का काय का डर है मेरी समझ में नहीं आता। अब देख इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर, कितना क्लियर है संस्कृत में है, मानकर वृत्त नियम शील तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी बंध का कारण न मानकर मोक्ष का के कारण रूप से अंगीकार करते हैं, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। अब ये अंगीकार करते हैं कैसे माने, हम तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि बंध के कारण है। तुम्हारे ऐसे मानने से नहीं, जो मैंने कल परसों थोड़ा कहा था कि आप कोई भी शुभ क्रिया करके, और अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, आगे बढ़ा अपन को कहाँ आगे बढ़ना है पिताजी, मोक्ष मार्ग में ही बढ़ना ना, आगे बढ़ा हूँ पीछे हटा हूँ, तो ये मोक्ष मार्ग के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा ना। तो आपने ऐसा माना कि मैं मोक्ष मार्ग में कुछ आगे बढ़ा हूँ, तो होगी बात खत्म, बस खत्म। शुभ भाव से आपने मोक्ष का मार्ग को, शुभ भाव को मोक्ष का मार्ग माना, ये उनसे तो अच्छे, उनसे तो अच्छे, हमें किसी से अच्छे नहीं चाहिए, हमें पूरे अपने आप में अच्छे चाहिए। उनके वे तो थर्ड डिवीजन आए, मैं सेकंड तो हूँ, मैं उनसे अच्छा, हमें उनसे अच्छा नहीं चाहिए कि सबसे अच्छा, नहीं सबसे अच्छा भी नहीं चाहिए, तो हमारा जो क्राइटेरिया है बस वैसा चाहिए। सिद्धा के लेवल पर कहीं भी किसी भी स्तर पर उसमें उपादेय बुद्धि होनी नहीं चाहिए, कि सिद्धा के लेवल पर नहीं होना चाहिए, वाणी में तो हो सकती है ना। अरे वाणी में तो क्या, वाणी में होने का क्या मतलब है, वाणी में तो प्रकट होती है, इससे तुम्हारी सिद्धा का पता लगता है क्यों। देखो मैं अभी एक 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 प्रयोग करके बताऊं ना, क्यों बैराग बता दूं कि देखो अपन लोग भारतवासी हैं, सभी जैन हैं, गुरुदेव के भगत हैं, और गुरुदेव ने एक ऐसा महान काम किया है कि प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद सबको समाप्त करके सबको एक साथ एक दरी पे बैठा दिया है, एक गुजराती, एक मराठी, एक हिंदी, एक कन्नड़, ये सब एक साथ बैठ के तत्व ज्ञान की गहरी बात सुनते थे उनके यहाँ, और उनमें बहुत साधर्मी बात्सल्य था, ये है ना। वहाँ ये नहीं देखते थे कि जो मेरी जाति का है, मेरे प्रांत का है, मेरी भाषा का है,
यदि दूसरे प्रांत भाषा का वो यदि सच्चा आत्मार्थी ज़्यादा है तो उससे हमें ज़्यादा स्नेह होता था और सगे भाई से उतना नहीं होता था। सगे भाई भाई के नाते होता होगा, लेकिन वहाँ जो साधर्मी के नाते होता था हमें आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, है ना, तो ये बात सच्ची है ना। और आज तक भी अपन लोगों में वो सब बात मौजूद है। पक्की क्यों पंडित, पक्की? अब मैं जरा एक बोल दूँ कि इन गुजरातियों में अकल तो है नहीं, फिर देखो आप, फिर देखो क्यों क्या होगा, बोलो मैम क्या समझते हो आप हमको, समझते क्या हो? स्वामी जी हमारे यहाँ पैदा हुए थे, गांधी स्वामी हमारे यहाँ पैदा हुए थे, अपन तो पार हो गए थे ना इस प्रांतवाद से। अरे कहाँ पार हुए हैं, कितनी गहराई से घुसा हुआ है देखो तो जरा, ये बुंदेलखंडी तो ऐसे ही होते हैं क्यों, ऐसा जरा सा बोलूं तो कोई वहां से बोल पड़ेगा, नहीं बोल पाएगा तो मन में बोलने लगेगा तुम भी तो बुंदेलखंडी ही हो क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रांतवाद, ये भाषावाद, ये जातिवाद हमें कितना कूट कूट के भरा है, हैं? और उसमें दंत मात्र भी कमी आई है, भाषण के लिए भले ही कह दें क्यों। ये इस बात का प्रतीक है कि सचमुच हमको श्रद्धा के लेवल पर भी भगवान आत्मा मैं हूँ और मैं किसी जाति भाति का नहीं हूँ ये आया ही नहीं है क्या, ये आया ही नहीं है। इसमें क्या दम है मेरी समझ में नहीं आता क्यों मैं बुंदेलखंडी क्यों, क्योंकि बुंदेलखंड के किसी एरिए में पैदा हो गया। यदि गुजरात के में पैदा होता तो मैं गुजराती हो जाता, महाराष्ट्र के में पैदा होता तो महाराष्ट्री हो जाता, अमेरिका में पैदा हो जाता तो अमेरिकन हो जाता। इसमें क्या है मेरा, मेरे से किसी ने नहीं पूछा था, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया, मेरा उसमें कोई बौद्धिक योगदान नहीं है क्यों। ऐसे किस भाषा में, किस प्रांत में, किस घर में, ये बड़े घर में, छोटे घर में, गरीब के घर में, अमीर के घर में, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल जिसमें हमारा सिलेक्शन का कोई महत्व तो नहीं है क्यों, उनमें हम इतने चेंट गए। मैं तो अमेरिका में जाता हूँ तो सबको लोगों को बोलता हूँ तुम चार चार पीढ़ी से यहाँ हो और अभी तक काठियाबाड़ी बने हो, हैं? अभी तक तुम अमेरिकन नहीं बन पाए, ये चार पीढ़ियाँ तुम्हारी यहाँ हो गई, राजस्थान में रहते रहते चार साल चार पीढ़ियाँ गुजर गईं, बाप दादों के बाप दादे भी हुए थे ना, ये कौन दुर्लभ जी है ना, अस्पताल है ना, लेकिन ये अभी तक गुजराती बने हुए हैं। गजब तो ये है कि काठियावाड़ी, मैं कहता हूँ विश्व के नक्शे में निकाल के तो बताओ भले आदमी काठियावाड़ है कहाँ, नहीं आया समझ में, बता सकते हैं आप तो बता सकते हैं क्यों, आपके ऊपर है जरा चार घंटे ऊपर चले जाओ। अरे भाई विश्व के नक्शे में से ही गायब हो गया, अब विश्व के नक्शे में तो गुजरात है अकेला, काठियावाड़ कहीं है ही नहीं, विश्व के नक्शे में बुंदेलखंड नहीं है, विश्व के नक्शे में मारवाड़ नहीं है, मेवाड़ नहीं है, हैं कहीं हैं? और अभी तक हम बने हुए हैं सब ऐसी ही। ये आत्मा को छोड़कर किसी न किसी पर्याय में, और हमारी जो एकत्व बुद्धि बनी हुई है उसी का नाम पर्याय बुद्धि है। वो लिखा ना देखो क्या पढ़ रहा है अपन, इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान के बल अशुभ कर्म को बंध का कारण जानकर वृत्त नियम शील शुभादि तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानकर मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करना, माने श्रद्धा के लेवल की बात है, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म क्षय का मूल हेतु तो निज भगवान आत्मा के श्रद्धा ज्ञान श्रद्धान और ध्यान रूप सामायिक या शुद्धोपयोग ही है।
लिखा ना, ध्यान लिखा ना, घबरा नहीं, सामायिक बाद में लिखा, सदुपयोग बाद में लिखा, ध्यान 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 रूप माने ध्यान, सामायिक माने ध्यान, सदुपयोग माने ध्यान, सदुपयोग माने ध्यान है ना, लिखा ना यहाँ तीनों चीज़ें एक साथ दादा, क्यों हम ध्यान की चर्चा नहीं करते? ये ध्यान वाले कभी सदुपयोग की चर्चा करते हैं? ये तो उपयोग ही की चर्चा नहीं करते, शुभ अशुभ की करके क्यों है? वो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की बात करते हैं है? तेरे में तेरे उपयोग में जितनी टेढ़ आ गई उस टेढ़ को ठीक करने की बात क्यों नहीं करता? रीढ़ की हड्डी को सीधी करने से क्या हो जाएगा? ऐसा गजब हो गया है जो ध्यान का नाम नहीं जानते, उन ध्यान वालों ने हमको ध्यान का विरोधी घोषित कर दिया। जो कांजी स्वामी की एक पंक्ति नहीं पढ़ते, उसे मर्म नहीं जानते, उनने हमें कांजी स्वामी का विरोधी घोषित कर दिया। क्या क्या है ये खेल है? ये तमाशा क्या है, है? उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म क्षय का मूल हेतु तो नहीं भगवान आत्मा के आश्रय से का ज्ञान सिद्धांत यानी ध्यान रूप सामायिक और शुद्धोपयोग रूप ही है। शुभाशुभ भाव नहीं, क्योंकि शुभाशुभ भाव तो कर्म बंध के कारण है, मतलब सीधी वो सामने वाली शत्रु की पार्टी में है और उसको हम किसी ना किसी बहाने ये अपनी पार्टी में घुसाना चाहते हैं। शुभाशुभ भाव कर्म की पार्टी में है, धर्म की पार्टी में नहीं है। अब जिनवाणी में उसे व्यवहार से कहीं कहीं धर्म कह दिया, कहीं कहीं नहीं, जयचंद जी छाबड़ा की भाषा में कहो तो बहुत कहा है ना, लिखा कि नहीं लिखा? अब उसको अब वो ये कहते हैं कि वो जहाँ उनने कहा है उसकी अपेक्षा भी बताई है। टोडरमल जी कहते हमने ये अपेक्षा कहा, उतनी सी बात समझना कि जो उनके साथ था इसलिए कह दिया। वो शुभ शुद्धो शुभोपयोगियों के आगे पीछे रहते ना, शुद्धोपयोग हुआ और शुद्ध परिणति भी लेना उसमें, और उसके पहले शुभ भाव था फिर बाद में शुभ भाव हुआ, इस वजह से कह दिया। पूर्वचारी और उत्तरचारी को सहचारी मानकर कह दिया, ये इतनी सी बात है भाई, इतने से इसको तो पकड़ते नहीं हैं और वजह से मान ही लेते हैं। इसीलिए मैं बहुत पहले उदाहरण दिया करता था कि जब पुराने ज़माने में जमाई अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता था तो अकेला नहीं जाता था, क्यों? दो चार दोस्त और एक नाई भी साथ में जाता था, माने आज की भाषा में समझ लो कि नौकर चाकर। हाँ पहुंच जाएगा तो वहाँ तो अलग बात है, लेकिन रास्ते में तो सेवा पूजा करने के लिए चाहिए ना। पहले के ज़माने में रेल मेल प्लेन तो था नहीं कि दो घंटे में पहुँच जाएगा, वो मान लो बैलगाड़ी से जाता था तीन दिन में पहुंचता था, तो तीन दिन कौन सेवा करेगा? तो सारे रास्ते में नाई माई तो चाहिए ना, अभी बाल बाल भी कौन बनाएगा, नहीं तो लंबी दाढ़ी वाले जमाई जी पहुंच जाएंगे उनके यहाँ। तो वो जब जाते थे तो वो ऐसा कहा जाता था कितने मेहमान हैं, तो नाई की गिनती भी मेहमानों में होती थी, है ना, कि सात मेहमान आए हैं है? जमाई राजा हमारी लड़की को लेने आए हैं तो कितने आदमी हैं, कि सात आदमी हैं। तो वो सात आदमी भी होते थे और भोजन वोजन सबको बिल्कुल एक सही दिया जाता था, समझ गए ना आपकी में। और कभी कभी तो जमाई राजा से ज़्यादा सेवा उन साथियों की होती थी, क्यों? कि 24 घंटे तो जमाई राजा को इनके साथ रहना है, और ये असंतुष्ट हो गए और उन्होंने भड़का दिया, क्यों? तो अभी खेल बिगड़ जाएगा। आजकल की भाषा में क्या कहते भैया उनको, वो क्या कोई नया अच्छा सब निकला राजनीति में, वो नेताओं के आगे पीछे हैं चमचे के चमचों को पहले खुश रखो तो उनकी सेवा ज़्यादा होती थी, लेकिन वो वास्तव में उनके मेहमान थे ही नहीं, और फिर भी उतना ही स्वागत असली मेहमान से भी ज़्यादा होता था। और फिर बाद में वो चले गए लड़की को लेकर के, और नाई को कुछ काम था तो उन्होंने कहा मैं कल आऊँगा, ज़रा मेरा यहाँ हूँ घूमे आऊँ,
अब वे चले गए और दूसरे दिन नाई जाए तो उसे कोई पानी को भी पूछेगा, अंदर नहीं घुसने देगा क्यों? बोलो, वो बिल्कुल मेहमान नहीं है। और फिर कोई ये कहे कि आपके जो मेहमान आए थे यहाँ, हमने एक को नाई की दुकान पे बाल बनाते देखा था, ये आपका मेहमान था क्यों? हमने इसे बाल बनवाए हैं, अपनी दाढ़ी बनवाई है, जो तुम्हारा मेहमान था, क्या कहेगा वो? वो तो जब तक जमाई के साथ है तभी तक, और वो लड़की को लेने आया हो तो, बाकी दूसरे टाइम में बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना दूसरे टाइम में? अरे उस समय भी नहीं है, एक सेकंड को भी उसमें हमारे मेहमान की बुद्धि आई नहीं है। अक्रिया में लड्डू परोस रहे हैं, माने श्रद्धा नहीं साहब, उस वक्त तो फिर उसे श्रद्धा पूर्वक ही करना पड़ेगा ना, फिर तो उसे तो श्रद्धा पूर्वक ही करना पड़ेगा ना, श्रद्धा पूर्वक नहीं भैया। श्रद्धा पूर्वक का मतलब ये है कि पंडित जी ने लिखा, टोरा मजी ने, ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसी श्रद्धा पूर्वक, और निमित्तादि उपचार से सहचार से कह दिया है, ऐसी श्रद्धा पूर्वक वो कहेगा, ऐसा जान करके देखो। अज्ञानी जीव इस बात को गहराई से समझते नहीं, वो पुण्य पाप को ही कर्म क्षय का हेतु जानकर उसी में मग्न रहते हैं। आचार्य जयसेन यहाँ पुण्य अधिकार को समाप्त मानते हैं। इस गाथा की टीका के अंत में वे लिखते हैं इस प्रकार, इन 10 गाथाओं के द्वारा यह पुण्याधिकार समाप्त हुआ। अमृतचंद्र ने नहीं किया भी समाप्त, और ऐसे दो भेद भी नहीं करते गए, पुण्याधिकार और ये पापाधिकार, लेकिन इन्होंने इसको यहाँ पुण्याधिकार माना और पुण्याधिकार की समाप्ति की घोषणा कर दी जयसेन ने। मतलब क्या पुण्याधिकार में तो खूब पुण्य की गीत गाए होंगे ना, पुण्य का स्वरूप बताया होगा, तो पुण्य करना चाहिए ये बताया होगा। लोग क्या कहते, पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चले, जब तो ये कहो जीवाधिकार में हो तुम, खूब पुण्य को गालियां दो। लेकिन वो कहते पुण्याधिकार समाप्त हुआ माने पुण्य की पिटाई खत्म, जितनी मरम्मत करनी थी कर दी। पुण्य के निषेध के लिए जितने कठोर शब्दों में समझाना था समझा दिया, इसका नाम है पुण्य पापाधिकार की समाप्ति। अब हम इसके पीछे नहीं पड़े रहेंगे, अब तुमने समझ लिया होगा। अभी मैं ये कहता हूँ, इन आचार्यों की बात तो देखो कि सहमति और असहमति इन दोनों के बीच में कितना जबरदस्त बैलेंस है। ये डर भी नहीं लग रहा कि हमें तो नाराज हो जाएंगे कि मैं तो अभी वहाँ तक पुण्याधिकार मानता हूँ, मैंने यहीं कर दिया, अपनी बात भी कह रहे हैं और अमृतचंद्राचार्य की बात को बहुत श्रद्धापूर्वक स्वीकार करके उनका मत भी बता रहे खुद ही। ये है, ये मर्यादा ये है, तीन कसाय के अभाव रूप परिणति का स्वरूप तो ये है। यदि आपका हमारी किसी बात में मतभेद हो गया तो अत्यंत विनयपूर्वक कह सकते हैं ना। हम मौलाना विद्यालय में पढ़ते थे तो हमने विशारद है ना, होता था विशारद मतलब साहित्य रत्न और हिंदी साहित्य विशारद, इसकी पेपर वो दे भर दिया था फार्म गुपचुप। फिर बाद में अंत में एक प्रोफेसर को बुलाया कि वो हमको हिंदी साहित्य के बारे में कुछ समझाए, इतिहास के बारे में। एक प्रोफेसर चक्रवर्ती थे, वहाँ कॉलेज में पढ़ाते थे, चक्रवर्ती नाम था उनका, बंगाली होंगे। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतिहास के सबसे बड़े विद्वान हिंदी साहित्य के वो ही माने जाते थे, 700 पेज का इतिहास लिखा था उन्होंने। तो उनकी बात सब बात का खंडन किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य के बारे में सबसे बड़ा अन्याय किया। जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य कह के हिंदी साहित्य ही नहीं माना, और बनारसी दास जैसे एक आध कवि को रखा और बाकी सबकी छुट्टी कर ली। तो उन्होंने बहुत सिद्ध किया कि तुलसीदास धार्मिक नहीं थे, सूरदास धार्मिक नहीं थे, उन्हें धार्मिक बातें नहीं की, धर्म की चर्चा करना उसे साहित्य का क्या संबंध है, वो साहित्य में धर्म की चर्चा नहीं हो सकती है क्या? बहुत समझाया,
लेकिन इतनी विनयपूर्वक, सबसे महान विद्वान हैं, उनने सबसे पहले हिंदी साहित्य का की नींव रखी, उन्होंने ये सब दसवीं साहित्य खोला। अब मैं उनकी अभिनय नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनको बहुत विनयपूर्वक उन्हें मानता हूँ, और फिर ये कहें और फिर भी ऐसा कहते जाए और ये बात कहें। तो प्रोफेसर चक्रवर्ती सबसे पहले हमने ये नाटक वो देखा था, वहाँ 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र हो गया, तब हमारी समझ में आया कि अत्यंत विनयपूर्वक भी मतभेद को दृढ़ता से रखा जा सकता है। मतभेद के लिए कोई लड़ने की जरूरत थोड़ी है, गालियां देने की कहां जरूरत है, किसी को भला बुरा कहने की कहां जरूरत है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखी जा सकती है। अपने आचार्यों ने तो कहां तक बर्दाश्त किया है आप सोच नहीं सकते। करुणानियोग के मामले में ऐसे प्रश्न आते हैं, त्रिगुणा सप्त गुणा वाह आता ही ना, एक गाथा, त्रिगुणा सप्त गुणा वाह, ये क्या है भैया, ये गुणा वाह, ये वो शिखर जी के पास गुणा वाह है, वो गुणा वाह नहीं है। वो कह रहे कि उसमें आता है ऐसे नहीं महिलाओं से क्या सिद्धों की से भी त्रिगुणी है या सप्तगुणी है, ऐसा कुछ है ना, किन्हीं जीवों की संख्या बता रहे वो। और ये कह रहे हैं कि वो अभव्य जो सिद्ध हैं उनसे त्रिगुणी हैं या सप्तगुणी हैं, अब वो मुझे ध्यान नहीं है पूरा, ये किसका प्रकरण में इतना ध्यान है, ये करुणानियोग वालों को ध्यान होगा। अब मैंने तो वो 12-13 वर्ष की उम्र में गोमरसार पढ़ा था, वो तब कई जितना याद है उतना याद है, कन्हैया जी की क्लास सुनता रहता हूँ तो उससे जितना होता है वो होता है। क्या क्या लिखा तो शिष्य ने कहा गजब करते हो कि उनकी संख्या बता रहे, नक की एक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब संख्या बता रहे तब, और कह रहे या तो त्रिगुणी हैं या सप्तगुणी हैं, इसमें तो बहुत फर्क है। तो उन्होंने कहा क्या करूँ, दो आचार्यों का मिलता है, एक का त्रिगुणा लिखा मिलता है और एक का सप्तगुणा लिखा मिलता है, तो मैंने दोनों लिख दिए अथवा मैं डाल करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो जाने दो, फिर आपको इन दोनों में कौन असत्य ज्यादा सत्य लगता है अपेक्षाकृत, आप गलत मत बताओ, लेकिन तो भी हर एक आदमी का अपना दिमाग तो चलता ही है ना कि त्रिगुणी होगी कि सप्तगुणी। तो उनने जवाब लिखा इन दोनों आचार्यों में से किसी भी आचार्य के बारे में ये कहना कि ये सत्य नहीं होगी, इसके लिए मेरी जबान नहीं उपड़ती है, मेरे जबान से ये शब्द नहीं निकलते हैं, इसलिए मैं तो दोनों के मत रख दिए, अभी आप करते रहना निर्णय, बस वह निर्णय नहीं होएगा तो ऐसा मान लेना कि एक आचार्य कहते हैं त्रिगुणी है और दूसरे आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है, तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं रुकेगा, सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं खड़ी होगी, क्योंकि ये प्रयोजन भूत नहीं है अप्रयोजन भूत है। यहाँ ध्यान रहे आचार्य जयसेन यहाँ पुण्याधिकार की समाप्ति की सूचना दे रहे हैं, और पुण्य पापाधिकार की समाप्ति की नहीं, मैंने अकेले पुण्याधिकार की, क्योंकि पुण्य पापाधिकार की समाप्ति तो बेहू आचार्य अमृतचंद के समान यहाँ से 9 गाथाओं के बाद 163वीं गाथा पर ही करेंगे। 154वीं गाथा में बड़ी दृढ़ता से यह कहा गया है कि शुभाशुभ भाव मुक्ति के हेतु नहीं है, अतः जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि मुक्ति का वास्तविक हेतु क्या है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 155वीं गाथा लिखी गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो एकदम प्रकरण बदल गया। जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेसि मदिगमोणम रागादि परिहरणम चरणम एषु दुमुख पहो। अभी तो कह रहे थे ये मुक्ति मार्ग नहीं है, और अब मुक्ति मार्ग क्या है ये बात होगी, तो मुक्ति मार्ग नहीं है, पाप मुक्ति मार्ग नहीं है तो सब मानते हैं,
पुण्य को लोग कुछ लोग मानते हैं, इसलिए पुण्य भाव भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। अभी तक ये चर्चा थी, है ना, नेगेटिव चर्चा थी कि क्या मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए वो अब पुण्य को मुक्ति का मार्ग नहीं है ये बात खत्म कर दी ना, इसलिए जैसे नेहा पुण्याधिकार समाप्त मान गए, अब पुण्य उसकी बात नहीं करेंगे। तुम्हारी समझ में आई हो तो, नहीं आई हो तो, तुमने मानी हो तो, नहीं माने हो तो, आखिर हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। भाई आचार्य कहते हैं हम कब तक उसी बात की को बार 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 कहते रहेंगे। हम अभी मान के चलते हैं कि आपने मान लिया है, तो अब सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मुक्ति के मार्ग हैं और अब इनकी हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जीवादि का सिद्धांत सम्मा दर्शन तत्वा सिद्धांत सम्मा दर्शन हो गया ना, तेस मध्यगमो डाणम और उनका जानना वो सम्यक ज्ञान है, और रागादि परिहरणम रागादिक का त्याग, रागादिक का त्याग होना ये चारित्र है। ये शोध मोक्ष पहो, मोक्ष का मार्ग तो सिर्फ इतना है। अभी मोक्ष के मार्ग में क्या क्या आता है वो सब मोक्ष मार्ग नहीं होता है, लेकिन एक अपेक्षा से व्यवहार से उसे मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। क्या क्या आता है माने क्या, जैसे अपन को यहाँ से दिल्ली जाना है तो कोटपुतली रास्ते में आएगी, शाहपुरा रास्ते में आएगा, बहरोड़ रास्ते में आएगा, तो जो रास्ते में आएगा इतने मात्र से वो मार्ग थोड़ी हो जाएंगे। तो वो कहते हैं अब जितने रास्ते आप आगरा से दिल्ली जाओ, यहाँ से आगरा जाओ, आगरा से दिल्ली जाओ, और प्लेन से जाओ तो भी नहीं आएंगे रास्ते में, तो ये आते भी हैं नहीं भी आते हैं। जिसको आते हैं उसको उनको व्यवहार से उनको धर्म कह देते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे लोग, भरत चक्रवर्ती की जो नाम आते हैं ना, तो अभी हमें राजन जी ने हमें बताई एक जगह निकाल के, विद्यानंद जी ने बताई थी उन्हें कि 16 तीर्थंकरों में पहले से लेकर 16 तीर्थंकर तक उनके कई वो मुनिराज शिष्य ऐसे लोग थे कि उनने आए उनकी सुनी, सुन के सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक चार्थ प्राप्त किया, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष। हाँ उसी समय अंतर मुहूर्त में। तो भरत चक्रवर्ती तो पीछे रह गए क्योंकि इनको तो केवल ज्ञान होने के बाद भी 2-4 वर्ष जितने लगे होंगे लग गए, ये तो केवल ही ज्ञान हुआ दीक्षा लेते ही। उनको तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन तो नहीं कई भव पहले से था, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, पूरा हुआ, श्रेणी हो गई, समझे ना। पहले कर्ण लब्धि श्रद्धा गुण वाली हुई होगी, चौथे गुण स्थान की पहले होती है ना जो, और दूसरी कर्ण लब्धि वहाँ हुई हुई छपक श्रेणी में, दो कर्ण लब्धि हो गई, तो एक एक मुहूर्त में, और अंत में ऐसा किताब ऐसा है कि सब मिलाओ तो एक अंतर मुहूर्त, सातवां गुण स्थान एक अंतर मुहूर्त, आठवां एक अंतर मुहूर्त, नौवां एक अंतर मुहूर्त, दसवां अंतर मुहूर्त, बारहवां अंतर मुहूर्त, और सब मिलाओ तो फिर अंतर मुहूर्त। इतने छोटे बड़े अंतर मुहूर्त होते हैं, हो गए। अब उनको कहाँ इससे ये सिद्ध होता है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसे कहा गया है वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। और ये बात इसी अर्थ में विद्यानंद जी ने बताई सभा में कि तुम व्यवहार 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 लगा करके बैठे हो, कहाँ है व्यवहार, शुभभाव शुभभाव लगा करके बैठे हो, कहाँ है बताओ, कौन मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, मोक्ष मार्ग में आता भी नहीं है। ये प्रमाण इस रूप में उन्होंने ग्रहण किया एक तरह बुद्धि में। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भरी सभा में ये घोषणा की कि मैं तो आजकल समय सार ही पढ़ता हूँ और सब मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, कोई और किताब देखता हूँ तो समय सार के पोषण के समय सार के प्रसंग से कोई बात आती है तो उसके लिए कदाचित देखता हूँ, नहीं तो मैं समय सार के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। और अपने शिष्यों को भी यही पढ़ा रहे, क्योंकि हमारे सामने जब प्रवचन हुआ तो 3 लोग बोले तो वे समय सार पे ही बोले, कोई उसी सभा में जो हमेशा ये कहते थे कि तो जनता की मूर्ख लोगों की सभा है, समय सार कौन सुनेगा कौन सुनेगा कौन सुनेगा, उसी पर बोले, दूसरे विषय पर नहीं बोले। यदि हमें कहता हूँ कि यदि हमारे थोड़े संयमागम से, और भाई स्पष्ट स्वीकार करते हैं अन्ना जी कि भाई अब
तो फिर इतना उनमें परिवर्तन आ गया, अब जो नहीं आया उसे जाने दो। आ कितना गया और सभा में ये बात बोलना, समय सार को कितनी महिमा बढ़ी कि उन लोगों में जो उनमें श्रद्धा रखते हैं। और उन्होंने ये कहा वीर सागर से कि डॉक्टर साहब से कह देना कि मेरी भावना ये है कि जब मेरे प्राण निकलें उस समय डॉक्टर साहब मुझे समय सार सुना रहे हैं। जो ये मेरा हाथ रखा नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक समय सार पे हाथ रखा था, ये बात जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना, ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मक्खनबाजी के लिए नहीं है, फैक्ट के लिए। मैं कहा जिस आदमी ने इतनी गहराई से सुना समझा और अपनाया है? उसके पास जाना पाप हो गया। और ये सुनते ही नहीं हैं जिन्हें 5-5 साल पढ़ाया, अब माँ बहन की गालियाँ देने पे उतर के आ जाते हैं, इनको सुनाओ और उन्हें नहीं सुनाओ, कहाँ का न्याय है? क्यों मैं जाना हूँ कि सब कैसेट बन रहा, टीवी पर जन रहा, सब जन रहा, पर बिहार सर्कुलेट होकर के सारे देश में मुख्यों में घूम जाएगा। सब सोच समझ के कह रहा हूँ, टीवी पे भी आएगा, वे भी सुनेंगे, उनके भगत भी सुनेंगे। क्या क्यों 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 कह रहे हैं, क्या जरूरत है? इसलिए कह रहे हैं क्या है, कितने दिन की जिंदगी है, जिसको जो करना है कर लो, लेकिन जो परम सत्य है, जो अपने ख्याल में आई है बात, ये कह रहे हैं तुम सुनते सुनते जिंदगी निकल गई और फिर तुमको महिमा नहीं आ रही। दिलीप भाई सुनाने वाले की, उनको सुनाने वाले की इतनी महिमा आ रही है? और तुम अपने को स्वामी जी का भगत अनुयायी कहते हो है? तुम्हें ये फिक्र हो रही है कब बंद करवाएं इसका है? कैसे बंद करवाएं, इस उपाय में लग रहे हो, कब छुटकारा मिलेगा इससे है? एक सीधी सादी सहज सरल सुबोध गाथा है। देखो यह एक सीधी सादी सरल सुबोध गाथा है, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया गया है। इस गाथा को अपन ने कुंद कुंद शतक में भी लिया है और इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बताया गया है। इसकी गाथा की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों को ही ज्ञान पर घटित करते हैं। ज्ञान के मुख्यता से श्रद्धा को और चारित्र को भी घटित कराते हैं, क्योंकि पूर्व में यह कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। उक्त कथनों से इस कथन की संगति बैठाने का ही यह सफल प्रयास है। उनके कथन का भाव इस प्रकार है। देखो क्या क्या कहा, क्या कह रहे कि ज्ञान एव देहतम शिव हेतु, एक कलश में आया था ना, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। तो अब कहोगे तुम अभी तक तो ये कहते आए और अब कहने लगे सम्मत दर्शन ज्ञान चाहते मुक्ति का मार्ग है, तुम्हारा कोई भरोसा है? पता ही नहीं हमने कल क्या कहा, क्या कहा था कल तक, बोलो आराध्य। ज्ञान एव बेहतम शिव हेतु, कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। और अब कहने लगे सम्मत दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते मुक्ति का कारण है, तो दो में से किसको माने? तो वो इस गाथा में ये सिद्ध कर रहे ये टीका में कि ज्ञान ही के तीन भेद हैं, माने सम्यक दर्शन को भी ज्ञान रूप सिद्ध कर रहे और सम्यक चारित्र को भी ज्ञान रूप सिद्ध कर रहे। वो आत्मा को जानकर यही मानना, यही तो सम्यक दर्शन है, और आत्मा को जानना यही तो सम्यक ज्ञान है, और उसी आत्मा को जानते रहना इसी का नाम तो सम्यक चारित्र है। तो ज्ञान के अतिरिक्त है क्या, करना क्या है तेरे को? मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, कि मस्जिद तक। आत्मा की दौड़ कहाँ तक, कि जानने तक, बस खत्म। एकमात्र कार्य है इस भगवान आत्मा का, जानना जानना जानना। अनंत गुणों के और अनंत कार्य है ना, ये मुक्ति के मार्ग की बात चल रही है, बस ज्ञान 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 ज्ञान। और एक ऐसा है ना, अनंत जो गुण हैं उनमें एक गुण उसके साथ में दर्शन को भी ले सकते हैं वो, तो क्योंकि कहीं कहीं दर्शन और ज्ञान को एक ही गुण कहा है, चेतना, कि वो ही स्वपर प्रकाशक है।
माने वो स्व को भी जानता हो पर को भी, जो उसका काम है वो उसमें पर भी आ जाता है। बाकी अनंत गुण का तो पर का कोई नाम नहीं है, पर अनंत गुणों से कोई तो पर से कुछ लेना ही देना नहीं है, पर की कोई बात ही नहीं है। तो अब सवाल है कि भाई पर का क्या करें, जानो नहीं जानो नहीं कह रहे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है पर को जानना, ज्ञान ही है वह खत्म। कि जाने कि नहीं जाने तो, कि नहीं जानो तो मत जानो, और आत्मा को कि जानो और नहीं जाने तो, कि नरक निगोद में जाना हो तो मत जानो। कि इतना फर्क क्यों डाल दिया, ये पर में जानना और नहीं जानना की कोई शर्त नहीं है। एक दफा पर को पर रूप जान लिया और उससे भिन्न आत्मा को निज रूप जान लिया तो पर फिर उसको नहीं जानो तो भी चलेगा, और जानने में आ जा तो भी गड़बड़ नहीं। अब हम क्या करते हैं, या तो जानने की कोशिश करते हैं और या नहीं जानने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे कैसे बोलो, अभी तो देखो मैं जानता हूँ, ये पढ़ा है, ये निकालो, ये पेज निकालो, जानने की कोशिश पर अब कोई पता, शास्त्र भी मेरे ज्ञान का गेन ना बन जाए, ये भी मेरे ज्ञान का गेन, तो उसमें फंस गए। ये जानना पर में ही फंसे रहे ना, कि पर को जानने में और ध्यान के काल में पर को नहीं जानने में। अंतर समझ झबरा जी, खब समझ में आई कि नहीं आई, पर कहाँ छूटा, क्या तो पर को जानते रहे। सात दिन तक खाने का विकल्प किया और आठवें दिन नहीं खाने का विकल्प किया कि नहीं खाऊंगा मैं आज, खाऊंगा नहीं मर जाऊं लेकिन नहीं खाऊंगा, इतनी गर्मी है लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा, बस आज दिन नहीं, रोजीना पानी पीने का विकल्प को पिया और एक दिन पानी नहीं पीने के विकल्प को पिया, रहा पानी ही खड़ा, पानी कैसे ओवर नहीं पाए, क्यों समझ गए ना। तो ठीक है, मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, मैं आज से कुछ नहीं करूँगा। अब तू तो छुट्टी लेनी थी इसलिए तो कुछ नहीं करने की बात थी, अब तू छुट्टी तो ली नहीं और अब कुछ नहीं करने के विकल्प में उलझा रहा, मन मन में विकल्प आता है बार बार, कहता नहीं नहीं मैं तो आज प्रतिज्ञा ली है कि आज मैं नहीं जाऊँ, मैं तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं करूँगा। तो वो कहते पर के पास सहज उदासीनता, उदासीनता मतलब ये है जानने में आ जाए तो जान लिया, नहीं जानने में आया तो नहीं जाना, क्यों ऐसी क्या बात है। तो कहते पर के प्रति ऐसा और अपने के प्रति है, तो ज्ञान की मुख्यता से देखो, पढ़ता हूँ टीका को, हालांकि अब दो ही मिनट हैं। आचार्य अमृत चंद्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को ही ज्ञान पर घटित करते हैं, क्योंकि पूर्व में है कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। उक्त कथनों से इस कथन की संगति बैठाने का ही यह सफल प्रयास है, जो उनके कथन का भाव इस प्रकार है। वस्तुतः मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। उनमें जीवादि पदार्थों के सिद्धांत स्वभाव रूप ज्ञान का होना, होना माने परिणमना सम्यक दर्शन है। देखो कैसी कैसी भाषा, ये संस्कृत में देखो, तत्र सम्यक दर्शन तु जीवादि सिद्धांत स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम्। ज्ञान का जीवादि के सिद्धांत रूप जो परिणमन हुआ, किसका, ज्ञान का, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी ज्ञान माने आत्मा है ना। और देखो जीवादि पदार्थों का ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना सम्यक ज्ञान है, और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना सम्यक चारित्र है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है, परिणमन है, इसलिए ज्ञान ही परमार्थता मोक्ष का कारण है। गाथा तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, और निर्णय क्या दे रहे, अकेला ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। देखो अभी और कहाँ है जो ऐसी बात, बोलो, लगाओ दिमाग, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, और मुझे वो इतनी पसंद आई थी कि जब सबसे पहले मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपाया था तो उधर ऐसी बाउंड्री में बना करके ऐसा लिखा था मैंने, और मेरा जो पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते थे उसको बाउंड्री में ऐसा लिखा हुआ है, वो है ना कि बीतराग भाव, एक बीतराग भाग ही मोक्ष का मार्ग है। तो श्रद्धा में का बीतराग भाव रूप परिणमना ऐसा आता ना, ज्ञान का वितराग भाव रूप परिणमना और चारित्र का वितराग भाव रूप परिणमना ऐसा है, तीनों
का दीतराग भाव ही मुक्ति का मार्ग है, वो उन्होंने सिद्ध किया वाक्य। तो बहुत अच्छा वाक्य है जो मोक्ष महा प्रकाशक का सर्वश्रेष्ठ वाक्य। यदि पूरे मोक्ष महा प्रकाशक में चार लेनों में लिखना हो तो वो लिख देना चाहिए ऐसा वाक्य है। ऐसे ही अमरचंद का है, कितनी छोटी सी टीका है, लेकिन क्या है कि एक ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, कारण है और मुक्ति है। क्यों पहले क्या है ना कि मोक्ष का हेतु और मोक्ष एक ही चीज़ है, और बंध का हेतु और बंध एक ही चीज़ है। ऐसे ही कहते हैं वो ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है और कोई नहीं। सीधा सच्चा अर्थ इसका ये है कि तुमको मुक्ति के प्राप्ति के लिए जो कुछ करना है वो ज्ञान में ही करना है, उसके बाहर कुछ भी करना नहीं है। हो तुम्हारी भूमिका के अनुसार तो कम से कम वो मुक्ति का कारण है ऐसा मानना नहीं है। कोई नए से कहा हो तो उस नए से जान लेना, गुरुदेव की भाषा में कहो तो जान ये लो प्रयोजन वांछे, पर जान लेना, लेकिन वास्तव में एक ज्ञान में ही सारा पुरुषार्थ करना है। परद्रव्य पर रंच मात्र भी लक्ष्य, लक्ष्य नहीं देने का मतलब जानना नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्य नहीं देना माने फिर उसने ऐसा कर दिया तो, वहाँ ऐसा हो गया तो हम जो है अकेले जानने जानने में रह जाएंगे और तब तक दोनों भी क्या कर ले जाएंगे, क्यों मतलब यहाँ ये कर देंगे वहाँ ये कर देंगे ये कर देंगे, हम तो लुट ही जाएंगे। कि भैया तेरे लुटने को तेरे पास क्या है, वो जो आत्मा है ना वो है, तो आत्मा उसे ज्ञान जान रहा है तो ज्ञान उसकी चौकीदारी कर रहा है, उसकी तो चौकीदारी पक्की है, और जो लुटेगा वो तेरा है ही नहीं। बस एक बात कह के समाप्त करता हूँ, याद रखना मैं चोरी का माल किसे कहता हूँ, सुना कभी? चोरी का माल वो नहीं है कि जो आप चुरा के लाए हैं, तो चोरी का माल कौन सा है जिसको चुराया जा सकता है, आपके जिस माल को कोई चुरा सकता है वो सब चोरी का माल, मतलब चोरी हो सकती है जिसकी, भगवान आत्मा अकेला ऐसा है जिसकी चोरी नहीं हो सकती, इसलिए वो माल तेरा है, बाकी सब आता ना वो न ज्ञान न क्या है न भ्राति भाज्यम न चौरी हार्यम न राजहार्यम, क्या न राजहार्यम न चौरी हारम न भ्राति भाज्यम न च भारकारी और व्यय कृति वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये विद्या माने ज्ञान का धन सबसे बड़ा प्रधान है, कौन कि न राजहार्यम राजा टैक्स के रूप में वसूल नहीं कर सकता, न चौरी हार्यम चोरी चुरा नहीं सकते हैं, न भ्रातृभाज्यम भाई बांट नहीं सकता, भाई कहता मेरा भी हिस्सा है आधा मुझे दे दो, तेरे ज्ञान को तो नहीं बांट सकते, तेरे सम्मेलन को तो नहीं बांट सकते भाई, न भ्रातृभाज्यम और न जो भारकारी इसका बोझा नहीं होता है माथे पर, और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम ज्यों ज्यों खर्च करो त्यों त्यों बढ़ता है। और धन लोग भले ही कहते हैं, ये पंडित लोग मूर्ख बनाते हैं आपको कि तुम हमारी संस्था को दान दोगे तो दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा, हमने तो आज तक बढ़ता मरता देखा नहीं, यदि 100,000 रुपया तिजोरी में से आप निकाले हैं तो वे गारंटी से घटेंगे। क्यों वो तो सब धोखाधड़ी है, ये असली बात है कि हम ज्ञान को जितना आपको बांट रहेंगे उतना ही हमारा ज्ञान परमार्जित होता है, हैं व्यय कृते वर्धत एव नित्यम खर्च करने पर बढ़ता है, ज्ञानम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए ज्ञान धन ही सबसे बड़ा धन है।